हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ विद्या चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक मैराथन सेशन, जो एक फाइनल वीडियो होगा इस क्लास 12th की वीडियो के लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग ग्रामर के कुछ पार्ट्स देखेंगे, और प्लस में सारा चैप्टर जो भी आपने पढ़ा है उसका फुल रिविजन करेंगे, ठीक है, जो कि काफी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है, काफी हेल्पफुल रहेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हो चाहे वो सब्जेक्टिव सॉल्व करने में हो, ठीक है। तो इस चैप्टर का शुरुआत, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं मैं पहले उसको बता देता हूँ। चैप्टर कहते हैं, सॉरी, इस सेशन में क्या क्या चीज होगा। सबसे पहले ग्रामर, जिसमें कि मेनली एक्टिव टू पैसिव चेंज करना, ठीक है। उसके बाद आपको हर एक चैप्टर में जो ग्रामर्स के क्वेश्चन है, चाहे प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, वर्ब हो, सबके फॉर्म्स, उसको जो बुक में जो भी ग्रामर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन टकराते हैं, ठीक है। और उसके बाद बुक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी, ठीक है, वो और सारा का समरी, सारा चैप्टर का, ये चार चीजें इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। पहले ग्रामर सेक्शन से शुरू करते हैं। तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले एक्टिव टू पैसिव हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव टू पैसिव के लिए सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है टेंस याद रखना, तीन टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के चार चार रूप, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जिसमें कि परफेक्ट कंटिन्यूअस ज्यादा यूज नहीं होता है, ना के बराबर, ठीक है। और बाकी तीन ही तीनों को याद रखने हैं, नौ। तो आपको पहले पहचानना है कि किस फॉर्म का है, और उसके बाद उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली उसका एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है, ठीक है। तो ही प्लेज फुटबॉल, ओके, लाइक ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें सिंपल में क्या करना है, ऑब्जेक्ट के साथ उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट के हिसाब से एम इज आर का उपयोग करना है। जैसे यहाँ पर फुटबॉल है, फुटबॉल एक फुटबॉल है, तो इसके साथ इज उपयोग, इज का प्रयोग करेंगे। तो फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम, ओके। उसके बाद सेकेंड रूप है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ओके। तो इसमें एम इज आर के साथ बीइंग लगाना है। आपको याद क्या रखना है, ये जो बात आप देख रहे हैं, ठीक है, इसे याद रखना है। तो इसमें मतलब प्रेजेंट सिंपल में एम इज आर प्लस वर्ब थ्री, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं करना, उसको नहीं याद करना है, उससे नहीं पूछा जाता है। उसके बाद पास्ट में सिंपल पास्ट में वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस वर्ब थ्री, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में नहीं सोचना है। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में नॉट यू फ्यूचर कंटिन्यूअस कोई जरूरी नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन प्लस वर्ब थ्री, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई जरूरी नहीं याद करने का, ठीक है। तो ये आठ को याद रखना है, किसके साथ किसको लगाना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। तो ही प्लेज फुटबॉल सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसके साथ एम इज आर प्लस वर्ब थ्री, मतलब फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम, ठीक है। अब वर्ब थ्री याद रहना चाहिए, वर्ब थ्री गलत नहीं होना चाहिए। और ऑप्शंस देखते ही, चूंकि ऑब्जेक्टिव है, तो अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है, ठीक है, तो आप टिक मार सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ही हैज प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम। उसके बाद सिंपल पास्ट में ही प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल वाज प्लेड बाय हिम, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वॉज बींग प्लेड बाई हिम। उसके बाद ही हैड प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाई हिम, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर में ही विल प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल विल बी प्लेड, वर्ब थ्री प्ले का, प्लेड बाई हिम। ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। तो ये
एक्टिव फॉर्म को पहचानना और उसके हिसाब से उसका पैसिव में बदलना, ये जरूरी है। ठीक है, इसमें करना क्या है मैंने बता दिया है। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ ये तीन याद रखना है। ठीक है, सिंपल रहेगा तो प्रेजेंट में एमिजार, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में विल बी, कंटिन्यूअस रहेगा तो बस एमिजार रहेगा बीइंग लगा देना है, वाज वेयर रहेगा बीइंग लगा देना है, बस। परफेक्ट रहेगा तो फिर बिन लगाना है सिर्फ, वो ऑलरेडी भी थ्री दिया रहता है, जैसे ही हैज प्लेड फुटबॉल तो ऑलरेडी वर्ब थ्री दिया हुआ है, वर्ब थ्री भी याद नहीं रखने का जरूरत है, सीधा बिन लगाना है, हैव हैज के साथ बिन लगा देना है, बिन जिसमें लगा लेगा उसको मार देना है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। तो अब चलते हैं चैप्टर, चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखने, उसमें आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर में तो नहीं है ग्रामर का पार्ट, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर में है तो उसको देखने का कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए वर्ब थ्री के ऊपर ही स्पेशल है। ठीक है, सो कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को सही फॉर्म लगा करके, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि सब में वर्ब थ्री लगाना है। कैसे, हैज के साथ वर्ब थ्री लगता है, ठीक है, हैव के साथ वर्ब थ्री लगता हैव बीन, वी हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन है तो यहाँ पर कॉपीइंग होगा, वर्ब फोर लगेगा। मैक्सिमम वर्ब थ्री है, कुछ कुछ में वर्ब फोर भी है, जैसे यहाँ पर वर्ब फोर है, आर्या डिड स्पीक सो, ठीक है, नेहरू हैड, हैड हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वहां पर भी वर्ब थ्री लगेगा, राइट का राइट रोट रिटन। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस के हिसाब से सेंटेंस का जो क्या बोलते हैं वर्ब है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको देखना है कि सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और उसके हिसाब से वर्ब को फॉर्म्स को सुटेबल रखना है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन हैज डैश इट अलाइव टिल नाउ, केप्ट कीप, कीप का केप्ट केप्ट होता है, तो हैज मतलब वर्ब थ्री तो केप्ट, आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल अलाइव, मैं यहाँ पर देखता हूँ अभी भी भारतीय प्राचीन भारत जिंदा है। ठीक है, वी हैव के साथ वर्ब थ्री तो बोरो का बोरोड, बोरोड मतलब उधार लेना, बोरोड बोरो का थर्ड फॉर्म बोरोड होता है, वी हैव बीन मतलब वी हैव बीन, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो वी हैव बीन कॉपीइंग, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, फोर्थ फॉर्म लगता है, पता है ना, फोर्थ बी फोर्थ वर्ब का चौथा फॉर्म, तो कॉपीइंग, आर्या डिड स्पीक सो, ठीक है, नेहरू हैड, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड के साथ राइट वोट रिटन, रिटन सो मेनी लेटर्स टू हिज डॉटर फ्रॉम जेल। सो ये रहा वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, कौन सा फॉर्म्स का कहाँ इस्तेमाल करना है। अगला चैप्टर में देखते हैं क्या है, अगला चैप्टर में नहीं है ग्रामर का पार्ट, वो आपको खोजना है। उसके बाद इसके अगला में है क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग है क्या, तो क्वेश्चन टैग एक कोई चीज को, कुछ कुछ सवाल इनकम्प्लीट रहती है तो उसको कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे तुम किसी से पूछते हो तुमने खा लिया या नहीं, पूछते हो ना, तुम खा लिया, तुमने खाया या नहीं, तो वही यहाँ पर है। एक तुम कैसे बोलोगे इंग्लिश में, डिड यू ईट, यू एट, यू ईट, यू एट और नॉट, ठीक है, तो उसको एक क्वेश्चन के हिसाब से मतलब सिंपल में क्वेश्चन के हिसाब से पूछना है, उसको कैसे पूछोगे, जैसे कहते हो किसी से तुम कंफर्मेशन लेते हो कि क्या है या नहीं, हाँ या नहीं, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं यह बिल्डिंग कितना खूबसूरत है, ठीक है, तो लाइक बोलते हैं ना ये तुमको कुछ अच्छा लगता है, दिस बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल, तुम किसी से पूछ रहे हो क्या यह है कि नहीं, उसको हामी के लिए तो कहा हुआ इजेंट दिस, ठीक है, तो वही क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग कर देना, ऐड कर देना कि क्या यह है या नहीं। ठीक है,
तो वही है, यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट। इसका एग्जाम्पल देखिए कि तुमने एक तुम्हें एक एक क्लोज कॉलर जोधपुर कोट का मिला है, हैवंट यू, है ना। इट इज अमेजिंग, यह अमेजिंग है, इजंट इट, ठीक है, इजंट इट, है ना। तो वैसे ही क्वेश्चन टैग करना है। तो क्वेश्चन टैग कैसे करना है, तो पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, ठीक है। जैसे यू आर नॉट हैप्पी, आर यू, तुम खुश नहीं हो क्या, तुम क्या तुम हो, हाँ या ना पूछ रहे हो ना। नहीं है तो उसमें पॉजिटिव डालना है, क्या तुम, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, आरंट यू, क्या नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव में निगेटिव क्वेश्चन टैग डालना है, निगेटिव में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग डालना है, ठीक। वही, अब जो वर्ब रहेगा उसी वर्ब का यूज करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाना है, खाली पॉजिटिव में निगेटिव, निगेटिव में पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर देखिए, अमोद वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस। अमोद वाज, तो वाज नॉट, अमोद, अमोद नहीं, नाम का ही होगा, ठीक है। क्योंकि एक सेंटेंस में नाउन बार बार रिपीट नहीं किया जाता, इसलिए प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। तो वाज नॉट ही, तो नॉट के जगह पर एंटी आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर है ना एंटी, इजंट इट, इज नॉट इट है ये, एंटी, इजंट इट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, वजंट ही, वजंट ही, दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, शुड, तो शुडंट, शुड नॉट, शुडंट दैट। नानू काका चकल्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, चकल्ड पास्ट टेंस का है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का जब निगेटिव में बनाते हैं तो डिड लगाते हैं, तो डिड नॉट नानू का, डिडंट ही, क्योंकि नानू काका भी मेल है तो ही लगेगा, तो डिड नॉट ही, डिडंट ही, ठीक। यू विल डू द वर्क, तुम ये काम करोगे, तो विल का विल नॉट, विल नॉट को शॉर्टकट में हम लोग वोंट भी बोलते हैं, WONT, वोंट, वोंट यू, ओके। गोलू, गुल्लू इज ईटिंग अ मैंगो, गुल्लू, गुल्लू एक लड़का है तो ही लगेगा, तो इज के इजंट, इजंट ही, ठीक है। इस तरीका से क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो क्वेश्चन टैग का आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो बना लोगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला चैप्टर में देखते हैं। इसमें आपको प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है। प्रीपोजिशन में मेनली इन, एट, ऑफ, ऑन, एट, ठीक है, जो सेंटेंस के बीच में ऐड करने की कोशिश करता है वो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, आई विल से प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में, के बारे में, ठीक है। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, ऑफ हंगर, भूख के कारण, इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में, ड्यूरिंग के दौरान। तो ये सब प्रीपोजिशन है जो वर्ड्स को जोड़े रखता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के पहले उसका रिलेशन बताता है तो उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। वैसे यहाँ प्लीज रीड, प्लीज रीड डैश लाइन 5, डैश पेज 10, ओके। प्लीज रीड लाइन 5 डैश पेज 10, ऑफ पेज 10 या इन पेज 10। प्लीज रीड द लाइन 5 इन पेज 10, ऑफ पेज 10, यहीं पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। 10वां पेज में 5वां लाइन पढ़ो, ठीक है। तो प्लीज रीड लाइन 5 इन पेज 10, ठीक है। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर, ओके। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। बर्ड्स जो है भूख के कारण मरता है विंटर के समय में। ममता प्रीफर्स कॉफी देन टी, ओके। चाय बदले वो कॉफी प्रीफर करती है। महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है।
चाबी स्वयं डैश द रिवर, ठीक है, ऑन द रिवर, इनटू इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, वी हैव बिकम डैश सर्टेन रेस्पेक्ट लेस लाइक एनिमल्स वी हैव बिकम। वी हैव बिकम डैश सर्टेन, वी हैव बिकम ऑफ सर्टेन रिस्पेक्ट्स लेस लाइक मोर सर्टेन रिस्पेक्ट आई थिंक। वी हैव बिकम मोर सर्टेन रिस्पेक्ट लेस, ऑफ वी हैव बिकम ऑफ सर्टेन रिस्पेक्ट लेस लाइक एनिमल्स। हम लोग कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है एज कंपेयर टू जानवर। तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को एक बार ठीक से कीजिएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन टैग्स है जो मैंने बताया है, ठीक है, कि आई एम राइट, तो आई की जगह पर हम क्या बोले, एम की जगह पर आर नॉट, ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। आई की जगह पर यहाँ पर एम नॉट नहीं लगाइएगा, आर नॉट लगाइएगा, आर ए आई एन टी, आंटी, ओके। ममता, ममता लड़की है, इज नॉट ब्राउन, तो इजंट सी, इज नॉट सी, ओके, द नॉट का एन टी, इजंट सी, ममता का सी। यू आर श्योर, आर यू आरंट यू, आर नॉट यू, आरंट यू, ओके। दे वेयर नॉट वेल, वेयर दे, ओके, दे वेयर नॉट, ऑलरेडी निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है, सिर्फ वेयर दे का दे। रिमझिम हैज ब्रोकन द ग्लास, हैज है, ठीक है, तो हैज ब्रोकन द ग्लास, ठीक है, तो इसको तुम हैजंट सी, ओके, क्या नहीं तोड़ा था, हैज नॉट सी, हैजंट सी। दे हैव प्लेड द गेम, दे हैव प्लेड वेल, हैवंट दे। प्लीज डू मी अ फेवर, विल यू, तुम पूछ रहे हो कि मेरे लिए एक फेवर करो, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, वॉन्ट यू, वॉन्ट यू, लाइक क्या तुम नहीं करोगे। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ऑलरेडी नॉट है, ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, विल यू गो देयर, फ्यूचर में हो रहा है तो विल यू, ठीक है। डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो, तो विल यू। प्लीज शट द डोर, कृपया कर दरवाजा बंद कर दो। वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं करोगे, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन टैग बनते हैं। देन आफ्टर, इसमें तो नहीं है कुछ क्वेश्चन टैग का, इसमें भी नहीं है, हाँ, इसमें नाइदर नॉर का है, ठीक है, तो ही हैज, नाइदर पहले लगता है नॉर बाद में लगता है, ठीक है, नाइदर डिजायर नॉर सन नॉर सेंस, ठीक है, तो याद रखना है, नाइदर नॉर, नाइदर पहले नॉर बाद में, तो वही वही यूज करना है, तो इसका दो वही एग्जाम्पल देख लो, ही हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस, मैन कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, मैन कैन नाइदर, नॉट नहीं, नाइदर, नाइदर एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, ठीक है, तो इस हिसाब से नाइदर नॉर का है, पहले नाइदर फिर नॉर, याद रखना है। उसके बाद नाइदर
इससे नहीं पूछे। एंड द एक्टिवेंस मस्ट बी कुछ मस्ट बी कुछ फॉर इसे मैं इसमें शुड मस्ट आउट का उपयोग करना है। मस्ट का एक आध दो मैंने क्वेश्चन देखा था तो इसलिए मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, वी डैश लाइक शुड, शुड मतलब करना चाहिए, तुम चाहो या नहीं चाहो, एक सजेशन है। ठीक है, और आउट मस्ट का अवश्य करना चाहिए, ये हमारा मतलब नीड है, ये मतलब हम भूलना ही नहीं चाहिए, एकदम नेसेसरी है, कंपलसरी है। वही शुड मस्ट आउट टू का प्रयोग करना है। बी डैश फॉलो अ सुटेबल टाइम टेबल ऑफ स्टडी, हमें टाइम टेबल का सुटेबल टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए पढ़ने का, स्टडी का। तो ये तुम्हारे मन के ऊपर है, तो ये शुड शुड होगा यहाँ पर। ठीक है, द यंग डैश बी कंसिडरेट अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ देयर एल्डर्स, बच्चों को बड़े का सेंटीमेंट्स को, फीलिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो रखना चाहिए। ठीक है, तो शुड बी, ठीक है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन आउट टू बी, आउट टू बी लिख सकते हो, आउट टू बी कंसिडरेड अबाउट द सेंटीमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। देट डजेंट मीन एंड ऑफ एवरीथिंग, लाइफ गो ऑन। ठीक है, लाइफ मस्ट गो ऑन, अवश्य चलता रहना चाहिए। वाई डैश आई ऑलवेज फॉलो द फैशन, मुझे ये हमेशा क्यों करना चाहिए, यहाँ पर शुड, वाई शुड आई ऑलवेज फॉलो द फैशन, क्यों करना चाहिए। वी द इंडियंस डैश शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा को हमें रिस्पेक्ट, इज्जत देना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है, किसी देश में रह रहे हो तो उसके झंडे को रेस्पेक्ट देना, वो हमारा एक कंप्लीशन है कि हाँ मुझे करना है, तो यहाँ पर मस्ट होना चाहिए। वी मस्ट, वी द इंडियंस मस्ट शो द रेस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग। सो ये है, उसके बाद इसमें नहीं कुछ एपिटेफ में देखें तो तो इसमें ए एंड का, ए एंड द का उपयोग, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, तो यहाँ पर ए एंड द का उपयोग करना है। तो जैसा कि आप जानते हो, ये है कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ओ आ का उच्चारण जिसमें है उसमें एन का उपयोग करते हैं, बाकी सब में ए का उपयोग करते हैं। जैसे अम्ब्रेला है, यू से शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एन लगाते हैं क्योंकि हिंदी में अ से शुरू होता है अम्ब्रेला, तो अ आ जहां पर आए उसमें अ आ ई उ ए ओ औ अ, जहां भी आए उसमें हम लोग एन लगाएंगे, बाकी जगह ए लगाएंगे। ठीक है,
जनरली बोला जाता है कि ए ई आई ओ यू के पीछे एन लगाना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। हिंदी के हिसाब से ओ आ के हिसाब से एन लगाना चाहिए, ठीक है। सो अदौ किसी स्पेशल चीजों के लिए लगाया जाता है, खास चीजों के लिए, और ए नॉर्मली एक को डिनोट करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ है, मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स टूडे वॉन्ट टू वर्क इन यूएसए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो भी एब्रीविएशन होता है, एब्रीविएशन ठीक है, उसके पीछे एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है, यू नहीं, एन लगता है, ठीक है। क्योंकि क्यों लगता है? ये रूल है, लगता है, ठीक है, एन लगता है। जो भी एब्रीविएशन है उसके पीछे एन लगता है। तो मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स टुडे वांट टू वर्क इन एन यूएसए, भी लिख सकते हो द यूएसए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज ए रेड रोज ऑन ए ऑन देयर इज ए रेड रोज ऑन डैश प्लांट द प्लांट, किसी खास पेड़ पर एक रेड रोज है। डैश रोज हैज बिकेम क्वाइट अट्रैक्टिव एंड द रोज हैज बिकम क्वाइट अट्रैक्टिव, और वो जो रोज जो है वो खास है तो द लगेगा। द रोज हैज बिकम क्वाइट अट्रैक्टिव, ठीक है। देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन डैश यूनिवर्सिटी, इन अ यूनिवर्सिटी। यू यो से शुरू हो रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन, एन नहीं लगाने का, भी ए लगेगा। ए यूनिवर्सिटी वांट्स टू परस्यू रिसर्च वर्क, ठीक है, तो यहाँ पर एन नहीं ए लगाना है। यूनिवर्सिटी है, यो ओ नहीं है, इसलिए ए लगेगा। डैश एप्पल, एन एप्पल। डैश डे, ए डे। किप्स डैश डॉक्टर अवे, किप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर से दूर रखता है। एक एप्पल रोज खाना, तो एन एप्पल और डे किप्स द डॉक्टर अवे। आई हैव मेड डैश एमएलए टुडे, एन एमएलए है, बोले ना, शॉर्टकट जहां भी रहेगा, एब्रीविएशन, शॉर्टकट नहीं एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट बोल दिया मैंने, शॉर्ट फॉर्म जहां रहेगा उसके पीछे एन लगता है, एन एमएलए टुडे, ठीक है। तो ये ए एन ल का है, इससे भी आता है क्वेश्चन, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों का। तो इसमें है कैन कुड मे माइट मस्ट सेल शुड विल वुड, मॉडल्स, इन मॉडल्स को यूज करके इसको बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है वो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, उसको आपको यूज करना है, ठीक है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मीनिंग होता है, और मीनिंग के हिसाब से हमें वर्ड वर्ड को सूट कराना है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन को पुट कीजिए उसमें, फिर उसका देखिए कि वो लाइन सूट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंटेंस गिवन अबव शुड सजेस्ट अ कंडीशन और प्रोबेबिलिटी, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मरूं या मरना चाहूं तो एक कंडीशन है या प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली सेल इन द सेकंड सेंटेंस सजेस्ट फ्यूचर टाइम, देयर सेल बी, वहां पर होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से चीजों को इस्तेमाल करना है। तो ऐसे ही अमोद डैश कंप्लीट हिज होमवर्क इन एन आवर, ठीक है। तो अमोद कर सकता है, ठीक है, प्रमोद कैन, ये एबिलिटी है, उसके अंदर ताकत है कि कर सकता है, क्षमता की बात हो रही है। तो कैन मतलब सकता है, एबिलिटी शो करता है, ठीक है। प्रमोद कैन कंप्लीट हिज होमवर्क इन एन आवर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स डैश रिमेन इन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द पीरियड, यहाँ पर कंपल्सन है, मतलब कि हाँ निश्चित करना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से मस्ट को, मस्ट जो होता है, मस्ट मतलब अवश्य करना चाहिए, ठीक है। द स्टूडेंट्स मस्ट रिमेन इन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, या शुड भी होता है, लेकिन कंपल्सन है, कंप्लीट करना चाहिए, इसलिए मस्ट हम यूज किए हैं। शुड का मतलब भी करना चाहिए ही होता है, लेकिन उसमें हम लोग
सामने वाला पर छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर पीरियड्स के टाइम में रहना चाहिए, ठीक है। दोनों ठीक है, लेकिन ज्यादा जोर के लिए मस्ट सही है, मस्ट। विश, विश मतलब काश ऐसा होता, ठीक है। तो वैसे केसेस में, विश केसेस में मे लगता है, ठीक है। तो मे यू सक्सीड इन लाइफ, एक विश मांग रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो उसमें हम सामने वाला से मर्जी लेते हैं। तो वैसे ही विश में भी हम लोग मांगते हैं, ठीक है। तो मे यू सक्सीड इन लाइफ, हम आशा करते हैं कि तुम लाइफ में सफल हो। इफ डैश रेन टूडे, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि हो या ना हो, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी में हम लोग किसको यूज करते हैं, ठीक है, इफ होगा या इट होगा, इफ होना चाहिए ना। इट होना चाहिए, इट होना चाहिए, इट मे रेन टुडे, ठीक है। या पॉसिबिलिटी में तो यही होता है, मे, या कुड भी होता है, हो सकता है, इट कुड रेन टुडे, ठीक है। या मे ज्यादा सूट कर रहा है। व्हाट डस आई डू इन दिस अनकॉमन सिचुएशन, एडवाइस, किसी से सलाह ले रहे हो, तो सलाह में क्या लगना चाहिए, व्हाट कुड, ठीक है, व्हाट शुड, व्हाट डैश है ना, और व्हाट या शुड मतलब एडवाइस लेना। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए इन दिस अनकॉमन सिचुएशन, इस विषम परिस्थिति में, ठीक है। उसके बाद यू डैश टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स, ठीक है। इसमें मॉरल ड्यूटी है, और मॉरल ड्यूटी जो होती है उसमें कंप्लीशन टाइप का होता है, कि हाँ तुम्हें करना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें मस्ट, मस्ट मतलब जरूर करना चाहिए, यू मस्ट टू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स। इफ छबी हैड पार्टिसिपेटेड इन द डांस कंपटीशन, शी डैश हैव वोन द एडमिरेशन ऑफ द ऑडियंस। एक पॉसिबिलिटी है जो हुआ नहीं, ठीक है, उसके केस में लगता है क्या है, कि इफ सी हैड पार्टिसिपेटेड, ठीक है, सी लाइक पॉसिबिलिटी दैट डिड नॉट रियलाइज, जो रियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। सो सी कुड, जो हुआ नहीं, पास्ट की बातें में कर रहे हैं, सी कुड हैव वोन द एडमिरेशन ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। इन द इवनिंग दे डैश गो आउट फॉर अ वॉक, हैबिट, डेली रूटीन, ठीक है। तो इसमें इन इवनिंग दे विल गो आउट फॉर अ वॉक, डेली है, ठीक है। सो इट्स डेली, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सीधा शाम में दे विल गो आउट फॉर अ वॉक, वो हमेशा जाते हैं टहलने के लिए। डैश यू प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी वॉट फॉर मी, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसमें विल लगा सकते हो, ठीक है, विल यू प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, वॉट को सेट करके देखना है कि किसको लगाएंगे तो बेटर लगेगा, ठीक है। सफदार डैश बी इन दिल्ली द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, फ्यूचर टाइम, भविष्य के बारे में बात हो रहा है। सरदार विल, सरदार विल बी
इन दिल्ली, सरदार दिल्ली में होगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जनवरी में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इस मॉडल्स को यूज करने आना चाहिए। इसको बहुत सारे क्वेश्चंस लगते हैं, ठीक है, मैंने देखा है, हर सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे निश्चित फिक्स। तो ये ग्रामर का एक पार्ट है जिस पर केयरफुली पढ़ना है, एक एक वर्ड को, चार ऑप्शन देंगे, चार ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करके उसका मीनिंग समझना है कि क्या है उसका मतलब, उस वर्ड को हटाए बिना भी तो उसके जगह पर क्या सूट करना चाहिए, ठीक है। कैन मतलब सकता है, कुड मतलब हो सकता था, मे मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मे आई कम इन, इस टाइप का, क्या मैं आ सकता हूँ, सामने वाला का परमिशन या फिर विश, ठीक है। माइट मतलब मेक आई पास्ट फॉर्म, ठीक है। मस्ट मतलब एकदम कंप्लीट, कंप्लीशन, एकदम यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। शैल मतलब फ्यूचर का। शुड मतलब पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पूछना कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। विल मतलब जहां पर तुम श्योर नहीं, वहां पर शुड। विल मतलब फ्यूचर के बारे में, वुड मतलब फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, मतलब ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, होना या ऐसा होना होगा, ठीक है। मतलब अगर उसने आम खाना शुरू किया तो वह, या अगर उसने सेब खाना शुरू किया तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है, वहां पर वुड लगता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखना है, मीनिंग को समझना है, ठीक है। आपके साथ मैं भी इसको पहली बार ही देख रहा हूँ, और मतलब मैं अपने नॉलेज से इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो आप इसको देख सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बना सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला में ग्रामर, हाँ, सुटेबल वर्ड्स देखना है। कभी कभी ये रहता, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, अब बोलेगा कि सुटेबल वर्ड्स खोजने के लिए। तो इफ यू डैश टू हिम ही वुड हेल्प यू, ठीक है। तुम अगर उसके पास जाओगे वो तुम्हारा मदद करेगा, ठीक है। इफ यू गो, वेंट मतलब पास्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर का बात हो रहा है, फ्यूचर के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, गए नहीं, जाना पड़ेगा, तब वो हेल्प करेगा ना, वुड है, इट मतलब फ्यूचर, तो गो लगेगा। इफ यू गो टू हिम ही वुड हेल्प यू। देयर फुटप्रिंट्स डैश सीन देयर, फुटप्रिंट्स डैश सीन, सीन मतलब पास्ट, ठीक है, तो वाज वेयर है, दोनों पास्ट है। अब यहां पर देखना है वाज लगेगा कि वेयर, ठीक है। तो देयर मतलब उन लोगों का, तो इससे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग थे, तो वेयर, तो देयर फुटप्रिंट्स वेयर सीन देयर, ठीक है। व्हेन यू डैश हियर आई विल हेल्प यू, जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा, ठीक है। व्हेन यू विल रीच हियर, ठीक है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। द बॉय डैश फादर लिव्स हियर इज माई फ्रेंड, वो जो लड़का है जिसके पिता यहाँ रह रहे हैं वो मेरा दोस्त है, ठीक है। द बॉय होम फादर, कुछ जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है होम, ठीक है, लिविंग थिंग्स, तो होम फादर लिव्स हियर इज माय फ्रेंड। मनोज इज द बॉय डैश कैन डू एनीथिंग, मनोज वो लड़का है जो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो होता है, होम जो होता है एक्चुअली रिलेशन के बताता है, ठीक है। हु जो होता है वो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को बताता है, मनोज वो लड़का है जो कुछ भी कर सकता है, वहां पर हु लगेगा, होम नहीं, होम रिलेशन में लगता है, होम फादर, हुज फादर, ठीक है, तो होम वहां लगता है। सीता इज इंगेज्ड डैश सम इम्पोर्टेंट वर्क टुडे, ठीक है। सीता इज इंगेज्ड, आदमी इंगेज होता है किसी काम के साथ, किसी काम में बिजी नहीं होता, किसी काम के साथ उस काम को करते रहता है, साथ रहता है। सीता इज इंगेज्ड विथ सम वर्क टुडे, तो विथ लगेगा। ही इज मोर डैश अ पोएट, ही इज मोर, वह कविता कवि से ज्यादा है, तो देन, ठीक है। बट वहां लगता है जहां पर कुछ भी नहीं है, बस वो कवि है, जैसे ही इज नथिंग बट अ पोएट, वो कुछ भी नहीं है बल्कि कवि है, तो वैसे यहाँ पर क्या है, मोर है, तो ज्यादा है, तो देन लगे, ही इज मोर देन अ पोएट, कवि से ज्यादा है। सी डैश हर सेल्फ इवन इन क्रिटिकल सिचुएशन, तो सी है, यहाँ पर कंट्रोल या कंट्रोल्स है, वर्ड देखो क्या फर्क है, तो कंट्रोल्स कहाँ लगता है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सी है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड फॉर्म में, थर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगता है,
एस या एस लगता है तो कंट्रोल्स होगा, सी कंट्रोल्स हर सेल्फ, ठीक है। ही हैज डैश एवरी वुमेन लॉक, तो हैज है तो थर्ड फॉर्म, तो ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो ब्रोकन होगा, ब्रोक जो है सेकेंड फॉर्म हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगता है तो ब्रोकन होगा। देयर मे बी डैश पॉइंट ऑफ डिस्कशन, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रायिकता है, तो जो है वो विशेष किसी चीज के लिए, फोर्स किसी चीज के लिए किया जाता है तब लगता है, ए जो है वो कॉमनली लगता है, तो देयर मे बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ठीक है, तो यहाँ पर ए लगेगा। उसके बाद फायर हेमन में एमोंग और एट का उपयोग करना है, ठीक है। तो द मिलिट्री एमोंग हम बता देते हैं पहले, एमोंग और एट, एमोंग मतलब बीच में, लोगों के बीच में, और एट मतलब उस पर, ठीक है। तो द मिलिट्री रेस्क्यूड सेवरल पीपल डैश द फ्लड, ठीक है। तो मिलिट्री ने बहुत सारे लोगों को बचा लिया, किस चीज से, बाढ़ से, एट द फ्लड, बाढ़ में से। द वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स अवेक डैश एट डैश नाइट, एट तो लगा ही दिया है तो एट ही होगा, ठीक है। नागार्ज लिसेंड डैश द लेक्चर अटेंटिवली, ठीक है। एमोंग मतलब बीच में, ठीक है, किसी चीज के बीच में आएगा, एक आध दो तो आना चाहिए। नागार्ज लिसन डैश द लेक्चर अटेंटिवली, नागार्ज लिसन एट द लेक्चर अटेंटिवली, ठीक है। द प्राइजेस वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ प्राइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एमोंग द विनर्स, जो भी विजेता रहता है उनके बीच में, ठीक है, एमोंग द विनर्स, सभी विजेताओं को होता है उसमें एमोंग लगेगा। द पुलिस इंक्वायरीड डैश द मर्डर केस एट द मर्डर केस, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक इसमें अमोंग है, बाकी सब ऐट है। तो अमोंग और ऐट का उपयोग करना सीखिए, जहां भी भीड़ होगा उसके बीच में अगर कोई बात करते हैं तो उसको हम लोग अमोंग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें है अनडिग्निफाइड, अनग्रामर, है प्रीफिक्स, प्रीफिक्सेस का यूज करना, प्रीफिक्स मतलब पहले, प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्स मतलब पहले आकर फिक्स होना, ठीक है। प्रीफिक्स का यूज करके वर्ड फॉर्मेशन, ग्रामर देखते हैं ना हम लोग, ग्रामर खाली देख लेते हैं। इसको देख लें, चेंज देवर वर्ड्स इन टू एडजेक्टिव्स एंड यूज देम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, को एडजेक्टिव बनाना है। इसको कर सकते हैं, लाइक इसमें और एडजेक्टिव बनाना है, जैसे क्लियरनेस है तो क्लियर करना है, मिस्टर जॉन हैज वेरी डैश आइडियाज ऑन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, वेरी क्लियर आइडिया, ठीक है। डैश मैन डाई सेवरल टाइम्स, किस प्रकार के आदमी बहुत बार मरते हैं, तो फिल्म शुड नॉट ग्लोरीफाई डैश सेक्स बिहेवियर्स, लाइक ये ऑफन इसमें मतलब इसका जैसे क्लियरनेस है तो क्लियर करना है, कोवर्डी कोवर्डाइज है तो कोवर्ड करना है, कोवर्ड जो एडजेक्टिव है, ठीक है, तो उस वर्ड्स को एडजेक्टिव में बदलना है, उसको यूज करना है। इससे मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे, बट स्टिल आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक
है, जैसे दो ही ऑक्यूपाइज हाई हाई पोस्ट, यद्यपि वो बहुत बड़े पोस्ट पर है, ही इज क्वाइट डैश, इसमें दो हो सकता है, ह्यूमिलिटी का हम्बल भी हो सकता है, काफी हम्बल है, ठीक है, बड़े पोस्ट पर होने के बाद भी हम्बल है, या फिर कॉवर्ड भी हो सकता है, बड़े पोस्ट पर है फिर भी वो डरपोक है, ठीक है, दोनों हो सकता है, उस हिसाब से इसको फिलअप करना है। उसके बाद इसमें, हाँ इसमें है, इसमें देखो, इसमें भी है प्रीपोजिशंस का यूज किया है, ठीक है, और उसको भरना है। सो ग्रैंड मदर थ्रू द लेटर डैश फायर इन टू द फायर, आग में फेंक दिया, ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स इन टू मतलब उसमें, ठीक है, माई ग्रैंड मदर टू मतलब से, ऑफ मतलब का, इन मतलब में, एट मतलब पर, थ्रो मतलब के द्वारा, उसके उसमें द्वारा, अमोंग मतलब के बीच में। तो ये मीनिंग अगर आपको पता है ना तो आप बना सकते हो। जैसे देखिए, माई ग्रैंड मदर हाउस इज डैश एट द हिल्स, हमारी जो माँ, दादी माँ का जो घर है वो पहाड़ पर है, तो एट पर बोला है ना, पर पहाड़ पर, तो एट द हिल्स एट लग जाएगा। रमेश डाइट, पहाड़ में तो नहीं हो सकता, पहाड़ के अंदर थोड़ी ना, हिल्स के अंदर थोड़ी होगा। रमेश डाइट डैश एन एक्सीडेंट, ठीक है, रमेश जो है वो एक्सीडेंट के द्वारा मारा गया, एक्सीडेंट में मारा गया, तो इन होगा, इन एन एक्सीडेंट, में इन एन एक्सीडेंट। कम डैश, ठीक है, कम टाइम का उपयोग जहां भी होता है अपन एट लगता है, ठीक है, कम एट 9 इन द इवनिंग, ओके। द मैथमेटिक्स बुक इज केप्ट डैश द पाइल्स ऑफ कंप्यूटर बुक्स, मैथमेटिक्स का जो बुक है वो कंप्यूटर बुक्स के पाइल्स के बीच में, मतलब पूरा बीच में थोक में पड़ा हुआ है, तो एमोंग एमोंग द पाइल्स ऑफ कंप्यूटर बुक। द ग्रैंड मदर पुश्ड हर वे थ्रू द क्राउड, अपने रास्ते को क्राउड से बाहर निकाली, ठीक है, या पुश्ड हर वे भीड़ के बीच से, इनटू द क्राउड भी हो सकता है, थ्रू द क्राउड भी हो सकता है, ठीक है। द ग्रैंड मदर इज गोइंग डैश मीट द ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर जा रहे हैं ग्रैंड फादर से मिलने, टू टू मतलब से मिलने, टू मीट द फादर ग्रैंड फादर। द गंगा फ्लोज थ्रू द पटना, पटना से होकर के गुजरती है, ठीक है। प्रभु इज क्लियर्ड ऑफ ऑल द ब्लेम, सारे ब्लेम से वो क्लियर है, ठीक है, जानता है। तो ये सारे ग्रामर्स के पोर्शन रहे, बहुत सारी चीजों को हमने देखा, और इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें आपको देखना है, जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जैसे कि आग का अग्नि अनल पावक होता है ना, वैसे इंग्लिश में भी होता है, ठीक है, तो वो देखना है। एंटोनिम्स जो डिफरेंट अपोजिट हो, अपोजिट मीनिंग हो, जैसे कि डे का नाइट, ठीक है, फायर का वाटर, लाइक कोल्ड का हॉट, ठीक है, इस टाइप का वर्ड्स का देखना है। एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बस ग्रामर में इतना, और लेटर लेटर एप्लीकेशन तो आप लोगों ने देखा होगा, वो देख लीजिएगा, और इससे वो इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक बार हम लोग गो थ्रू हो जाते हैं हर चैप्टर से, मतलब मैं 2 मिनट से ज्यादा किसी भी चैप्टर में नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, तो एक फास्ट समरी याद करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिविलाइजेशन क्या है और कल्चर क्या है, ठीक है, तो इस दोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, व्हाट इज सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज कल्चर। तो मैंने सर इसके क्वेश्चन आंसर में दिया था, ठीक है, तो वहां से आप देख लीजिएगा, मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में फिट कर देता हूँ, उसको आप लोग एक बार अपने से कर लीजिएगा। दूसरा है भारत इज माई होम, और सभी का राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, भारत इज माई होम कौन लिखे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम में मतलब क्या क्या चीजें हैं, जैसे पिछला में सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में है, इसमें भारत के बारे में जो चीजें हैं, मतलब जिन चीजों पर वो फोकस किए हैं, ठीक है, लाइक भारत की जो पावर, भारत की जो कल्चर, भारत की जो मतलब विविधता है, उन सब के बारे में, मतलब इनडायरेक्टली भारत के जो खासियत है उन सब के बारे में बताया गया, तो इस पर आप खुद से भी लिख सकते हो उसके समरी, ठीक है। तीसरा है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी,
स्नफ मतलब खैनी, पिक्चर स्नफ, इसको कौन लिखे हैं? मनोहर मालगांवकर, ठीक है। और इनके जो अदर बुक्स हैं उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या है, ठीक है, तो इसमें ननु काका और उसके जो भांजा है उसका कहानी है, हमेशा उसको डिस्टर्ब करने आ जाते रहते हैं, और इस बार भी आते हैं, और वो जाते हैं मिनिस्टर से मिलते हैं, मिनिस्टर के बेटे से मिलते हैं, ठीक है। और वो किसी भी चीज के प्रति जब डिटरमाइन होते तो उसको करके छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में है। इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है ननु का अगर थोड़ा पहनावा उनावना के बारे में, तो हमेशा वो एक अंगोछा रखते हैं, हमेशा पगड़ी रखते हैं, ठीक है, और एकदम स्टाइलिश रहते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, वो आइडिया जो कि मैनकाइंड को हेल्प किया, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें, पहले इसका राइटर बर्टनर्ड रसल, ठीक है। और इसमें क्या है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में उन सभी आइडियाज के बारे में है जिससे मानव की सभ्यता बढ़ी, जैसे कि आग का खोज, चक्के पहिए का खोज, साहित्य का खोज, जो मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं लिटरेचर उसका खोज, तो इस सभी चीजों के इम्पोर्टेंस के बारे में है, ठीक है। संस्कृति का खोज, ठीक है, तो कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आग ज्यादा इंपॉर्टेंट था, किसका खोज ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ऑब्वियसली आग का सबसे पहले हुआ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और लिटरेचर ये सब टेक्नोलॉजी ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में कि जो जो आइडिया ने इंसान को हेल्प किया, ठीक है, और तो और इस जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें यही सारांश है। उसके बाद द आर्टिस्ट, ठीक है, द आर्टिस्ट एक सेबीज नाम का बच्चा का कहानी है, ठीक है, जिसको शौक रहता है लौकी पालने का, ठीक है। लौकी जो होता है ना, गॉड्स जो लौकी जो होता है, ठीक है, उसको रखने का, तो उसके बारे में है कि वो सारे मतलब जापान में ना उसको गुड लक माना जाता है, ठीक है। तो वो हमेशा उसको पालने का शौक था, वो पूरा कलेक्शन करके रखता था, ठीक है, तो उसी के बारे में है। और इसमें वो एक ऐसा भी लौकी रखता है जो करोड़ों का होता है, ठीक है, और मतलब उसको उसके पापा फेंक देते हैं, उसके टीचर उसको फेंक देता है, और वो टीचर वो कबाड़ वाला उसको ले जाके सुनार को देता है, वो मतलब जो कुछ खरीदता है उसको देता है, और वो उसको देखता है तो वो इतना ज्यादा अच्छा रहता है कि वो कितना 50 सेन या कुछ रुपीस देता है, जस्ट ए मिनट, पूछ सकता है कितना सेन रुपया दिया, ठीक है, 5 एन, हाँ 50 एन देता है, 50 एन देता है उस इसको मतलब स्कूल के स्टाफ को, और लास्ट में वो कितने बेचता है, 600 एन में उसको बेचता है, ठीक है। तो इतना अच्छा वो ये बनाया रहता है, इतना मेहनत किया रहता है उस गॉड्स पे, उस गॉड्स को मतलब लौकी को, ठीक है, तो वहां का गुड लक माना जाता है उसको, तो उसी का कहानी है द आर्टिस्ट सेबीज, ठीक है। तो इसमें याद रखना है नाम आपको सेबीज, ठीक है, और उसका कहानी। उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न मेनली एक मतलब एक बच्चे के जन्म से रिलेटेड एक थॉट है, ठीक है, या एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी का, कि कैसे उसको ट्रीटमेंट मिलता है, एक माँ को कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जनरली क्या होता है, ठीक है, बच्चे को जन्म देना क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि अगर लड़की जब शादी होकर आती है, जब बच्चे को जन्म नहीं देती है, तो उस परिवार का उस सदस्य नहीं मानी जाती है, ठीक है, और बच्चे होने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उसने पूरा फैमिली को सेटिस्फाइड कर दिया, खुश कर दिया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस को लिखना है। और उसके बाद बिहार में, बिहार कहते हैं इंडिया में, जो एक पैराग्राफ है, यहाँ पर बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके बाद जो 5-6 दिन का सेलिब्रेशन होता है, उसको भी आप लिख सकते हैं समरी में, ठीक है। तो इसके जो राइटर है वो है जर्मन ग्रीन, ठीक है। तो और इनके जो वर्क्स है, उन वर्क्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा, द फीमेल यूनच
सेक्स एंड डेस्टिनी, वुमेन फर्टिलिटी, द चेंज। ठीक है, तो और ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है इसमें से कि अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये जो चैप्टर है ये किस बुक से है, सेक्स एंड डेस्टिनी। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है हाउ फ्री इज द प्रेस। ठीक है, इसमें प्रेस के बारे में है, इसको इसके जो राइटर है वो है डोरोथी एल शेयर्स। ठीक है, तो और इनका जो ये है अदर जो बुक्स है, अदर जो काम है वो है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अनेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर, व्यूज ऑफ द बॉडी, नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट्स, ये सब। ठीक है, तो वो देखिएगा। और इसका जो मेन फंडा है, जिन्होंने छह चीजों को बताया है कि प्रेस कितना फ्री होना चाहिए, ठीक है, क्या प्रेस को कहाँ पर प्रेस का लिमिट है, तो प्रेस का लिमिट है गवर्नमेंट बॉडीज में, उसके थॉट्स को दिखाना, उसके प्लान्स को दिखाना, लोगों के जो फेमस पर्सनालिटी है उसके पर्सनल लाइफ के बारे में उतना नहीं बताना, या फिर उसके पर्सनल लाइफ के बारे में उनसे बिना राय लिए हुए नहीं छापना। ठीक है, तो वो चीज, और जो पांच छह प्रकार की जो चीजें ये लोग करते हैं, ठीक है, उन्हें अवॉइड करना। ठीक है, जैसे कि इन्होंने छह चीजों को मेंशन किया है। पहला है, जस्ट ए मिनट, ये छह चीज को आप जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है। सेंसेशनल हेडलाइंस, ठीक है, सेंसेशनल हेडलाइंस। दूसरा गार्बलिंग, जो न्यूज के साथ ही लोग तोड़फोड़ करते हैं, वो छह चीजें, सेंसेशनल हेडलाइंस। दूसरा गार्बलिंग, तीसरा ब्लैंड परवर्शंस, चौथा प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, पूरा सच को उल्टा झूठ बना देना। ठीक है, मतलब झूठ नहीं बनाना लेकिन पूरा उल्टा कर देना। रैंडम एंड ग्रेटुइटियस इन्वेंशन, अपने आप से कुछ अटपटा सा छाप देना। ठीक है, और डेलिब्रेट मिरेकल मॉर्गरी, और कुछ जादुई सा शब्दों को लिख देना। ठीक है, तो ये छह फॉर्म्स को याद रखिएगा। सो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद द अर्थ, द अर्थ एचीबेट्स का बहुत ही शानदार कहानी है। आप लोग को याद होगा कि इसमें एक क्या नाम रहता है उसका, बेंजी, बेंजी नाम का लड़का रहता है। ठीक है, और जॉनसन उसके पिता का नाम रहता है, जो कि एक मतलब पहले ही की तरह सोच रखने वाला और बहुत ज्यादा काम कम करने वाला, भाषण ज्यादा देने वाला इंसान रहता है जॉनसन। ठीक है, और उसका जो बेटा रहता है बेंजी, वो थोड़ा सिंपल रहता है, मतलब सिंपल माइंडेड, ज्यादा बोलता होता नहीं है, बस अपने काम से, मतलब जो काम दे दो उसको कर देने के लिए बस रहता है। लेकिन उसके पिता उसको उस पर कभी भी अच्छा फील नहीं करते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको डॉक्टर से दिखाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दे दिया जाए, ये उसमें बिजी हो जाएगा, उससे इसका पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। तो उसे 10 से 15, शुरू में कितना, 10 से 15 मुर्गियां दी जाती है, 1 डजन, ठीक है, 1 दर्जन के आसपास। और उससे वो मतलब स्कूल जाता था, बच्चे से ही स्कूल जाता था, आता था, वो मुर्गियों को खिलाता था, फिर उसके बाद उसका अंडे को बेचता था, और ऐसे करते 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 बहुत बड़ा फार्म खोल दिया, मुर्गी फार्म। फिर उसके बाद और जब फार्म्स हो गए, तो जो जो जमीन था वो उन्होंने, उसके जो पिताजी थे वो भाड़े की जमीन पर रहते थे, तो वो उस जमीन में खेती करते थे, लेकिन वो खेती होता नहीं था क्योंकि उनके लेजीनेस के कारण, कहीं भाषण कर रहे हैं, इधर फसल जल गया, कहीं मतलब पानी देने के बजाय कहीं दूसरे जगह भाषण कर रहे हैं, तो वहां पर क्या बोलते हैं, खरगोश वरगोश आकर खा गया, तो ये सारी दिक्कतें होती थी। ठीक है, तो उस जमीन में भी इसने फार्म बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, और धीरे धीरे अंडे को, मतलब पहले घर से ही बेचता था, फिर जब और ज्यादा बढ़ने लगा, फिर उसके बाद उस अंडे को मार्केट में जाके बेचने लगा, फिर अलग अलग मुर्गी के वैरायटी को अलग अलग करके रखने लगा, और उसका मतलब डेवलपमेंट को दिखाया गया है, और बहुत बड़ा आदमी बन गया। ठीक है, और उसके बाद वो धीरे धीरे लोगों को भी जॉब देने लगा, और उसी में से एक लड़की भी आई थी जो उस मुर्गी फार्म में काम करती थी, तो उसे वो पसंद आ गया, तो उसे वो शादी कर लिया, जिसके लिए उसके मम्मी पापा बिल्कुल भी राजी नहीं थे, और फिर वहां से झगड़ा होना शुरू हुआ, और फैमिली में दूरी बढ़ती गई, और उसके मम्मी में और अक्सर उसकी बीवी में झगड़ा होता था, और लास्टली उसने अपने मम्मी पापा को
घर से निकाल दिया। तो ये एक बहुत सेंसेशनल स्टोरी है और इसका सारांश यही है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। और दूसरा चीज कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रेन और फ्रेंड और ब्रदर सिस्टर यंगर्स, ओके। अपने छोटे भाई बहन को भी बहुत प्यार करो, ना सिर्फ बड़ों को, बड़ों को तो बहुत लोग कहते हैं, छोटों को भी प्यार करना जरूरी है ताकि वो गलत राह ना चुने। अगर उसके पापा उसको सही ट्रीट किए रहते, उसको अप्रिशिएट किए हुए रहते, तो शायद वो भी वैसा नहीं चुनता, ठीक है। तो दोनों जरूरी है, ठीक है, इसका मेन सारांश यही है। और बाकी कैरेक्टर बता ही दिया मैंने, ठीक है। बेंजी जॉनसन और एक और लड़की का नाम है, नहीं जी, फ्लोरेंस बेंजी, उसकी पत्नी का नाम फ्लोरेंस, पापा का नाम जॉनसन, ठीक है। सो ये तीन कैरेक्टर का नाम याद रखना है आपको। उसके बाद द अर्थ का अचीवमेंट्स खत्म। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, भारत एक ट्रेवलर की नजर से, पर्लेस बर्क, ठीक है। तो इसमें भी वो भारत के बारे में बताते हैं, भारत की अलग अलग विविधताओं के बारे में बताते हैं, भारत का मतलब स्वतंत्रता से पहले के सीन भी कुछ बताते हैं, ठीक है। और एक विजिट, अपने विजिट को वर्णन करते हैं, ठीक है, कि कैसी कैसी यहाँ इन्वायरमेंट है, कैसे मतलब राइट हैंड को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, लेफ्ट हैंड को मतलब छोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैसे केले के पत्ते पर बैठ के खाया जाता है, और खाने से पहले वो जो मतलब भोजन मंत्र वगैरह होता है वो किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो इंडिया के ब्यूटी के बारे में बताया गया है, इंडिया का मतलब वर्सलिटी, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद इंडिया के पीपल्स के बारे में बताया गया हुआ है, ठीक है। कश्मीर पीपल्स आर लाइक वाइट, वेयर एज द लाइक इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ पीपल, ओके, बट स्टिल इट्स यूनिक यूनिक, ओके। तो इंडिया के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है, एंटोन चेकव। ये एक मजेदार कहानी है शादी का प्रपोजल वाला, जिसमें कि तीन कैरेक्टर है, एक स्टेपन चुबुकोव जो कि एक लैंड ओनर रहता है, पिता भी रहता है एक लड़की का, उस लड़की का नाम है नातालिया, ठीक है। और इवान वेसलोविच लोमोव, लोमोव जो है वो एक उसका पड़ोसी है, जो कि उस लड़की उसकी बेटी का हाथ मांगने आता है। और इसमें एक बहुत ही हंसी वाला कहानी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसका समरी दे देता हूँ, कि वो मैरिज के प्रपोजल के लिए आता है, बट उसे हमेशा डाउट रहता है कि मैं बीमार हूँ, मतलब मैं बीमार नहीं रहते हुए भी उसको बीमार होने का एक्टिंग करना ज्यादा पसंद रहता है किसी बात पर। तो उसके शादी के लिए हाथ मांगने के लिए आता है, बट उसमें बात छिड़ जाती है जमीन की, ठीक है, जंगल की, एक जमीन रहता है उसकी, तो उस पर उसकी जो लड़की रहती है उसको पता नहीं रहता ये शादी के लिए आया, तो वो झगड़ने लगता है कि नहीं वो जमीन हमारा है, दिक्कत नहीं वो जमीन मेरा है, हमारे पिताजी ने हमारे दादाजी ने तुम्हारे दादी को दिया था कि ये कुछ हेल्प के बदले दिया था, उस पर झगड़ा होने लगती है। फिर उसके बाद वहां से चला जाता है, फिर उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि ये शादी के लिए आया था, फिर वो अपने पिताजी को बोल करके उसे बुलवाता है, फिर उसका बहुत हेल्प करता है, बोलता है कि ठीक है तुम वो जमीन तुम्हारा ही है, फालतू में डिस्कस कर रहे थे। फिर उसके बाद एक कुत्ते पर डिस्कशन शुरू होने लगता है कि ये ज्यादा बलवान है, तो वो कहता है मेरा कुत्ता ज्यादा बलवान है, ठीक है। क्या नाम रहता है कुत्ते का, कुत्ते का नाम शायद जरूरी है जानना, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो और एक और बात कि हर बार झगड़ने के बाद ये बोलता रहता था कि मेरे हाथ जो है वो टूट रहे हैं, मेरे पैर, मेरे जो हार्ट बीट है वो बढ़ रहा है, बेचैन हो रहा है, मैं बेहोश होने वाला हूँ, बेहोश हो भी जाता है एक बार,
ठीक है लास्टली, तो हाँ गेस और लीप, लीप जो रहता है वो नतालिया गुप्ता रहता है, गेस जो रहता है वो लोमो का कुत्ता रहता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी झगड़ा शुरू होती है, और ऑक्समीडोज जो जगह है उसके जगह के बारे में भी होता है, तो ये सब किसका है, मैरिज प्रपोजल नाम का चैप्टर का है, ठीक है, और लास्टली उस दोनों का शादी हो जाता है, तो एंटन चेकोव ने इसको लिखा है। उसके बाद हम लोग का प्रोज सेक्शन वही खत्म होता है, उसका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, ये जॉन डोनी का पोयम है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने मतलब वो स्वीटेस्ट लव के बारे में, प्यार के बारे में बात करते हैं जो शायद उनको नहीं मिला, ठीक है, या फिर जो एक्सपेक्ट करते थे वो मोह से नहीं मिला, तो उसके बारे में है। इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा और इसका समरी भी देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने दोनों शेयर कर दिया है। और उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के ऊपर एक गाना, ठीक है, ये बहुत ही मस्त है, ये अपने कंपनी को, अकेलापन को इंजॉय करते हैं, अकेलापन के बारे में बताते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को इंजॉय करता हूँ, मैं खुद से मनाता हूँ और खुद के लिए गाना गाता हूँ, और मुझे लगता है जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी है, तो तुम भी खुद को खुलकर जियो, तुम्हारे पास सैकड़ों कारण है, ठीक है, खुश रहने का, तो इसलिए खुश रहो, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, ठीक है, तो इसमें इसी बारे में सेल्फ सेलिब्रेशन के बारे में। उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, इस कविता में एक एजेड आदमी के बारे में जो अबाउट टू डाई है, मरने वाला है, उसके बारे में कि वो जब एक बूढ़ा आदमी को कैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मतलब एक समय जो वो दुनिया को खिला सकता था आज उसे खुद खाने के लिए भी खाना नहीं है, ठीक है, मतलब कोई नहीं खिलाने वाला है, तो एक पतझड़ में झड़े पेड़ से वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे जैसे पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं वैसे वैसे मेरा भी समय निकट आ रहा है, जैसे ये सूख जाएंगे मैं भी इस दुनिया से उठ जाऊंगा, ठीक है, तो ये इसका समरी रहा। उसके बाद अगला जो चैप्टर है ऑड टू ऑटम, पतझड़ के ऋतु के बारे में है, इसमें पतझड़ को एक महिला माने हैं कवि, और उन्होंने हर शहर हर गली से इस पतझड़ को गुजारा है, ठीक है, और उस पतझड़ के मौसम में जो वो हवा बहती है, ठीक है, उसे फील कराया है, उसका एक मतलब राइटिंग के टर्म्स में एक फील दिया है कि वो जो फसल कटने के बाद जो बच जाते हैं उस पर भी लेटा हुआ पतझड़ देखता है, कितना प्यार से सहलाता हुआ उसे उसकी सेवा करता है। उसके बाद फूल फल सब इसमें मतलब पकते हैं ये सब, ठीक है, सो उसके बारे में है, समरी है, ठीक है, और अलग प्रकार की पक्षियां विजिट करती है आते हैं, तो वो खूबसूरती भी देखने को मिलता है इस ऋतु में, ठीक है, तो पतझड़ ऋतु के बारे में इसमें ओड टू एटम, मतलब पतझड़ ऋतु के ऊपर कुछ पंक्तियां कविताएं लाइन, ठीक है, तो जॉन किट्स ने लिखा है, जॉन किट्स काफी फेमस राइटर है। तो उसके बाद अगला है एनीपिटाफ, ये लास्ट में हमने पढ़ाया है, तो ये तो ध्यान रहना चाहिए, इसमें जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके जो समाधि रहती है उसके सामने एक समाधि, ये लिखा रहता है, कुछ अपने प्यार के लिए लोग लिख देते हैं कि जब भी आए तो उसे पढ़ करके उसे सुकून मिले, ठीक है, तो इसमें अपनी ये पत्नी के लिए या अपने जो प्रेमी प्रेमी रहता है उसके लिए लिखते हैं कि यहाँ पर एक लेडी रहती थी जो बहुत प्यारी थी, ठीक है, और शायद ही वैसे मतलब वैसी प्यारी धरती पर कोई है, पूरा पश्चिमी देश में कोई है, लेकिन वो प्यार भी वो खूबसूरती भी एक दिन खत्म हो जाती है, ठीक है, खूबसूरती भी परमानेंट नहीं है, और मैं जब रोऊंगा, मैं जब मरूंगा, मैं जब लो फील करूंगा तो मेरे पास कौन है, तो उसको याद, उसकी याद में ये एक कविता है, ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि हेयर ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ हर लव हिज लव, ओके, एंड ही फील्स लाइक सी हैज बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री एंड बट ही रिग्रेट्स लाइक
ऑफ लूजिंग हर व्हेन ही हर्ड लाइक सी डाइड एंड देन ही कम टू अंडरस्टैंड दैट ब्यूटी ऑल्सो व्हेन ही सेज विद द टाइम ब्यूटी ऑल्सो इज टेम्पररी ब्यूटी ऑल्सो पासिस सो एंड ही फील्स वेरी सैड एंड ही सेज लाइक हु विल नाउ कंसोल मी हु विल नाउ हैंडल मी व्हेन आई विल डाई हु विल बी देयर टू लाइक क्राई बिहाइंड मी ओके सो ऐसा उनको फील होता है. तो ये वो था एन एपिटेफ. इसके राइटर वाल्टर डीला मारे. ठीक है अगला है द सोल्जर रूपर्ट ब्रूकी. ये खुद एक सोल्जर है सोल्जर के ऊपर ही लिखे हैं कि एक सोल्जर का क्या चाहत रहती है. ठीक है और ये बहुत सारे ऐसे पेट्रियोटिक कविताएं लिखे हैं और बस कितना मात्र 28 साल की उम्र तक जिए. ठीक है 28 साल की उम्र में एक अच्छा सोल्जर एक अच्छा ये रहे बट एक लड़ाई में ही इनकी मृत्यु हो गई थी. तो इंग्लैंड का सोल्जर थे वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये पोएम्स लिखते थे. बहुत ही फेमस कविताएं इनकी रही है. ठीक है सो इसमें वो बोलते हैं कि अगर मैं मरूं तो मुझे उन मिट्टियों में दफनाना जहां पर मैं जन्म लिया हूँ. ठीक है यानी इंग्लैंड की मिट्टियों में मुझे दफनाना क्योंकि इंग्लैंड के सोल्जर थे. ठीक है और जहाँ की हवाएं मुझे फ्रेश एयर देती थी जहाँ की सड़कें मुझे मतलब रास्ता देती थी जहाँ के लोग मुझे प्यार करते थे मुझे वहां पर रखना. ठीक है ममरू तो ये एक इनकी चाहत है. ठीक है एक देश प्रेम है. ठीक है अपने देश की अच्छाइयों को बारे में बताएं. सो इसमें ये उसके बाद अगला जो है वो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट. इसमें टीएस इलॉयड इसका जो पोएट है ठीक है उन्होंने एक बिल्ली को एक डेमन एक सुपर पावर की तरह माना है और उसके बारे में बताया कि वो उसके पास अल्टीमेट पावर है किसी भी चीज को कोई भी नियम कानून को तोड़ सकता है और कुछ भी कर सकता है कोई भी क्राइम कर रहा है एक क्रिमिनल की तरह बताया है वो कोई भी क्राइम करता है लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं जाता है. ठीक है ही कैन डू एनी क्राइम बट ही कांट गेट अरेस्टेड ओके लाइक व्हेन यू कम टू द क्राइम सीन यू वोंट फाइंड मैकेविटी सो मैकेविटी इज एवरीवेयर बट देर इज नो फुटप्रिंट ऑफ हिज क्राइम ओके सो इस हिसाब से बताया गया है वो मतलब चाहे वो मीट हो किचन की सामानें हो चाहे वो कुछ भी जो चीजें गायब हो रही है वो तुम देखोगे गायब है लेकिन तुमको मैकेविटी के उसमें नजर नहीं आएगा. तो उसके बारे में यह है एक मिस्ट्री कैट एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में. ठीक है और उसके बारे में है कि मतलब उसका जो ये है मूंछ है वो एकदम अनकॉम्ड है पतला है और लंबा है बड़ा है उसके बारे में भी कुछ खासियत है उसको भी लिख दीजिएगा. ठीक है और उसके बाद फायर हमन के की एन दारूवाला का लिखा हुआ आग के ऊपर एक भजन है. ठीक है इसमें उन्होंने आग के बारे में बताया है जब वो अपने पिता के साथ एक नदी घाट पर जाते हैं जहाँ पर आग जलाती लाश जलाई जा रहती है जलाई जाती है. ठीक है शमशान घाट पर तो वहां पर देख करके वो आग की निर्दयता को आग की क्रुएलिटी को देख कर बताते हैं कि आग कितना डरावना है कितना मतलब आसपास जाने वाले लोगों को डरा देता है. ठीक है और मतलब कभी कभी आग बोलता है कि मैं तुम्हें माफ कर दिया तो वो कभी कभी उसकी उंगलियां भी चाहे हड्डी उड्डी भी कभी कभी वो बाहर छोड़ देता है तो उस चीज को भी बताया गया. ठीक है और वो बताते हैं कि जब मैं वो चूंकि पारसी है ठीक है और वो लोग जलाते नहीं है तो लेकिन वो इंडिया में थे और यहाँ से हजारों मील्स दूर था टावर ऑफ साइलेंस. ठीक है तो वहां पर वो नहीं जा सकते थे तो उन्होंने आग के हवाले अपने बच्चे को कर दिया था जब उनका एक पहला जो बच्चा था वो मर गया था तो. ठीक है सो और इस चीज का उसका बहुत दुख हुआ और उन्होंने शपथ लिया कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा आई वोंट डू दिस अगेन आई स्वेयर ओके. उसके बाद अगला जो है स्नेक सांप सांप के बारे में है डी एस लॉरेंस. इन्होंने लिखा है कि एक सांप रहता है वो इनके जहाँ पर इनकी पानी का ये रहता है वहां पर आता है. ठीक है तो इनको जब प्यास लगते जाते हैं तो देखते हैं कि एक सांप भी आता है पानी पीने और फिर इनके मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं क्या मैं इसे मार दूं नहीं मार दूं. ब्लैक कलर का बहुत ही अच्छा सांप रहता है. ठीक है बहुत ही सुंदर इनको लगता है लेकिन ये शुरू में नहीं मारते हैं बट पानी पीकर जैसे वो रिटर्न होता रहता है अपने होल में जैसे आधा गुस्सा रहता है ये एक रोड़ा उठा करके क्लमजी लॉक मतलब रोड़ा रोड़ा उठा के मार देते हैं और उससे उसका जो बॉडी था छटपटाने लगता है वो मर जाता है. फिर उसके बाद इनको बहुत सारा पश्चाताप होता है और बहुत सारा रिग्रेट करते हैं कि मैं पाप किया हूँ मुझे इससे मतलब
सजा मिलेगी, ये वो। एक मतलब उसके बाद वो सांप को किंग की तरह मानने लगते हैं, और लगता है कि जैसे वो राजा जो है वनवास पर चला गया है इस टाइप का। उसके बाद लास्ट चैप्टर माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसमें कमला दास इसके राइटर हैं, और उन्होंने अपनी दादी माँ के घर के बारे में, दादी माँ रानी मस्जिद का भी समझ लीजिए आप, घर के बारे में बताया है कि एक घर है था जहाँ पर मुझे बहुत सारा प्यार मिलता था, अंधेरा था चारों बगल, मतलब वहाँ कोई लाइट नहीं, बहुत खराब सिचुएशन था घर का, बट फिर भी मुझे बहुत सुकून मिलता था क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे, ठीक है। और अब मैं वैसे प्यार के लिए इधर उधर भटकता हूँ, और मुझे कहीं भी वो प्यार बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है। और तो ये है, और एक लाइन और है इसमें कि जब मैं बच्चा था तो मैं अक्सर जाता था, वहाँ पर बहुत सारी किताबें थे लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी क्योंकि मैं बहुत बच्चा था, ठीक है। और मैं वहां से जो अंधेराएं हैं, वो जो सुकून है, मैं उसे लेकर आना चाहता हूँ, अपने रूम में रखना चाहता हूँ उसको याद की तरह, ठीक है। लेकिन अब वो घर जो है टूट चुका है, उसमें अब सांपे रहते हैं और लोग वहां रहने को नहीं है, और वो जो औरत है वो भी अब मर चुकी है, मतलब की जो ग्रैंडमा है वो मर चुकी है, तो उसके ऊपर है। तो ये रहा आपका समरी और ये रहा आपका मैराथन सेशन। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छा से दीजिएगा, और जो भी मैंने पीडीएफ शेयर किया ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर उसको आप लोग कर लीजिएगा। आई होप आपको ये सारा का सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आई होप आप सब लोग मिनिमम 80 से 90 नंबर स्कोर करके आइएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट और रॉक ऑन। सो मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब, और आप लोग का क्या रिकमेंडेशन है, कैसा रहा पूरा सेशन, कैसा रहा पूरा जो हम लोगों ने एक एक चैप्टर को पढ़ा, वो उसको कमेंट में डालिएगा। और जो भी आपका रिकमेंडेशन रहेगा, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे इसी का फिर से एक्सप्लेन करके एक नया वीडियो या फिर लाइव क्लास, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और जो भी आपका जूनियर है, जो आपका छोटा भाई बहन है, उसको भी बोलिएगा चैनल ज्वाइन करने के लिए, और ऐसी बेहतरीन सेशन आप लोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं डालता रहूंगा, ठीक है। और हमारा मोटिव है हर घर पढ़ाई हो, हर घर आगे बढ़े, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बब्बा और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।